हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिचु भल्ला है और मैं आप लोग के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग के साथ एक छोटी सी घटना शेयर करूँगी जिसके ऊपर मैंने ये पोयम लिखी है। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे देश में COVID-19 की बहुत बड़ी आपदा आई हुई है। तो जब ये स्टार्ट हुआ था, उस दौरान मैं अपने घर आ गई थी तो मैंने देखा कि रास्ते में हाईवे में एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची सड़क के किनारे पड़ी हुई है। ये देख के मैं वहाँ पे रुकी पूछने के लिए कि वहाँ पे क्या हुआ है। तो लोगों से मुझे पता लगा कि उस बच्चे के जो पेरेंट्स थे, उसकी जो माँ थी, वो लोग अपने घर जा रहे थे और रास्ते में उनको बच्ची हो गई। तो उसके बाप ने, उसके फैमिली वालों ने सोचा कि यार, हमें तो लड़का चाहिए था, तो लड़की हो गई, और उन्होंने उस प्यारी सी बच्ची को वहीं छोड़ दिया और चले गए। ये घटना देख के मेरे अंदर से अजीब सा हुआ कि यार, लोग इतने गंदे कैसे हो सकते हैं? कैसे वो एक लड़की को बोझ समझ सकते हैं? कैसे वो प्यारी सी बच्ची को यूं ही छोड़ सकते हैं? इस घटना को देखते हुए मैंने एक कविता लिखी और इसके थ्रू मैं उन लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि लड़कियाँ बोझ नहीं हैं, ना ही वो श्राप हैं, वो भी हम जैसे एक इंसान हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी कविता पसंद आएगी। मेरी कविता का शीर्षक है, मैं बोझ नहीं, मैं भी तुझ जैसी एक इंसान हूँ। मैं पत्थर नहीं, मैं भी तुझ जैसी एक इंसान हूँ। मैं भी लेती सांस हूँ, कोमल मन मेरा भी है, सच्चा तन मेरा भी है, समंदर जिस बातों का हूँ। पर फिर क्यों मैं दुनिया के लिए एक श्राप हूँ? मैं बोझ नहीं, मैं भी तुझ जैसी एक इंसान हूँ। मैं भी जन्म लेना चाहती हूँ, मैं भी इस दुनिया को अपना कहलाना चाहती हूँ। मैं भी किसी की माँ, किसी की बेटी शान से कहलाना चाहती हूँ। बस यूं ना मैं मरना चाहती हूँ, मैं बोझ नहीं, मैं भी इंसान कहलाना चाहती हूँ। अगर सोच के देखो तो बोझ नहीं हूँ मैं, बेटी से ज़्यादा तेरी अपनी हूँ मैं। तेरे कुल का गौरव हूँ, तेरे घर की शान, तेरा मान भी हूँ मैं। बस बोझ नहीं, इंसान हूँ मैं। माँ की कोख में आने से पहले खुदा ने मुझसे बोला कि जा उस दुनिया में जहाँ इंसान है बसते। आज टूट गया उस खुदा का भी भ्रम जब वे अपनी अजन्मी बच्चियों को मरते हुए देखते। अजीब सा दस्तूर है इस दुनिया का कि विद्या के लिए तो माँ सरस्वती को है पूछते, शक्ति के लिए माँ दुर्गा को, ऐश्वर्य के लिए माँ संतोषी को और धन के लिए माँ लक्ष्मी को। लेकिन एक बेटी को जन्म देते समय कहाँ जाती है इनकी समझ? कहाँ जाता है ये ध्यान? कहाँ जाता है इंसान? कैसे भूल जाते हैं कि धन दौलत ऐश्वर्य विद्या एक औरत का ही दान। मैं बोझ नहीं, मैं भी हूँ एक इंसान। कभी माँ की कोख में तो कभी उसके आंचल में, यूं ही मार देते हैं हमें घर के किसी आंगन में। क्या जीव नहीं घबराता उनका, क्या दिल नहीं रोता उनका? कैसे भूल जाते हैं कि हम औरत से ही है घर उनका, हम नहीं तो क्या है जीवन उनका। बस आस मैं इतनी करती हूँ कि या खुदा, कि उनको समझ में आए कि मैं बोझ नहीं, ना ही मैं श्राप हूँ, ना ही मैं पाप हूँ, मैं भी तुझ जैसी एक इंसान हूँ, मैं भी तुझ जैसी एक इंसान हूँ। शुक्रिया।